ओम नमः शिवाय। चैत्र मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि बृहस्पतिवार कृतिका नक्षत्र शाम 6 बजे तक लगा रहेगा, जिसके नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव हैं। तत्पश्चात रोहिणी नक्षत्र लग जाएगा। चंद्रमा आज वृष राशि में चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी शुक्रदेव हैं। कृतिका नक्षत्र के जन्मे जातक सुंदर, विद्वान, तेजस्वी, उदार हृदय वाले, लोकप्रिय और सामाजिक होते हैं। स्वागत सत्कार में प्रवीण, आराम पसंद और प्रतिभाशाली होते हैं। ये रचनात्मक कार्यों में व्यस्त रहने वाले कलाकार और विभिन्न व्यवसाय से संबद्ध होते हैं। इनकी मौलिक विचारधारा अर्थ प्रधान होती है। अभिनय, नाटक, दूरदर्शन इत्यादि में भी रुचि बनी रहती है। यदि सहयोगी लग्न रहा, सूर्य और शुक्र की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। ऐसे जातक के माता पिता प्रारंभिक दौर में थोड़े परेशान और चिंतित होते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए आज आर्थिक लाभ की स्थिति बनी रहेगी। चंद्रमा उच्च के होकर आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं। व्यावसायिक योजनाओं के नए आयाम स्थापित होंगे। आज आपके विचार अपनी सुख सुविधाओं और निजी गृहस्थी के वस्तुओं को जुटाने और संवारने में केंद्रित रहेगा। आर्थिक योजनाओं की साझेदारी लाभदायक रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा बीतेगा। अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलेगा, मगर शाम के बाद अतिथियों के आगमन से कुछ व्यवधान आ सकते हैं। विभागीय अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा और पारिवारिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। किसी बुजुर्ग व्यक्ति का सहयोग आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। वृष राशि वाले जातकों के राशि पर ही आज चंद्रमा उच्च के होकर बैठे हैं। आज आपकी सक्रियता, आत्मविश्वास, ऊर्जा स्तर और आपकी सोच सभी दिशाओं में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य योजनाओं में सक्रिय भूमिका निभाते रहें, आपके प्रयास सार्थक होंगे। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता जाएगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत उत्तम है। परिश्रम का पूरा लाभ मिलेगा। संतान संबंधी सुखद समाचार मिल सकता है। अधिकारियों से सहयोग की मात्रा थोड़ी कम महसूस होगी, मगर पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। नए निवेश के लिए आज का दिन उचित है, मगर साझेदारी के काम से परहेज करें और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण और आवश्यक संसाधनों को एकत्रित करने में व्यर्थ होगा। नई योजनाओं के दिशा निर्देश अनुकूल होंगे। अधीनस्थ कर्मचारी और अधिकारी वर्ग की भूमिका सकारात्मक बनी रहेगी। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी। साझेदारी के कामों में आज सावधानी रखनी चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। नए निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल है। संतान संबंधी सुखद समाचार मिल सकता है। छोटी यात्रा या प्रवास की संभावना बनती है। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्यशाली और लाभदायक रहेगा। चंद्रमा आज सूर्य के नक्षत्र में और आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। घर के मुखिया या अभिभावकों का सहयोग बना रहेगा। आपके कार्य क्षेत्र में किसी महिला वर्ग की भूमिका भाग्यशाली सिद्ध होगी। भविष्य में निवेश की कई योजनाएं सामने आएंगी, मगर आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित और स्वास्थ्य संबंधित सावधानियां रखनी चाहिए। शनि मंगल की युति आपके 6वें घर में चल रही है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं और कार्य क्षेत्र में संबंधित विषमताएँ सामने आ सकती हैं। संतान संबंधी चिंता आज लगी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में असमंजस का माहौल महसूस होगा, मगर शाम को अतिथि आगमन से मन प्रसन्न होगा। सिंह राशि के जातकों के लिए व्यावसायिक योजनाओं के प्रति उत्साह में वृद्धि होगी। आपके रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। व्यवसाय क्षेत्र में अधिक जोखिम उठाते हुए काम करने की प्रेरणा मिलेगी। विरोधी पक्ष दबा रहेगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी रखनी पड़ेगी। संतान संबंधी मामलों में सकारात्मक पहल जारी रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। अपना परिश्रम बरकरार रखें। आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित यात्रा संभावित है और शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा।
कन्या राशि के जातकों के लिए कार्य योजनाओं के नए अवसर सामने आएंगे, साझेदारी के प्रस्तावों में बढ़ोतरी होगी और आर्थिक लाभ मिलता जाएगा। किसी महिला अधिकारी का सहयोग आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। कार्य क्षेत्र के विस्तार में अधिकारी वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। प्रॉपर्टी संबंधी मामलों के लिए समय अनुकूल है। संबंधित मामलों में परिवार व रिश्तेदारों से प्रेरणा मिलती रहेगी। विद्यार्थियों को आत्मविश्वास में कमी महसूस होगी। अध्ययन अध्यापन में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। जोड़ों में दर्द व पेट संबंधी समस्याएं संभावित हैं। तुला राशि वाले जातकों के लिए मानसिक अंतर्द्वंद में कमी आएगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी पड़ेगी। कार्य क्षेत्र संवेदनशील है। बहस या वाद विवाद संभावित है। संयम से काम लेते हुए अपने प्रयास जारी रखें। संबंधित मामलों में यात्रा या प्रवास की स्थिति आ सकती है। अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। सहोदरों से मानसिक दबाव महसूस होगा, मगर आध्यात्मिक प्रेरणा मिलती रहेगी। आर्थिक लाभ आपके मेहनत के अनुसार बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल है। संबंधित मामलों में सहयोग मिलता रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों की सकारात्मक कार्य ऊर्जा बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। किसी महिला अधिकारी की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। व्यावसायिक योजनाओं के नए प्रस्ताव सामने आएंगे और उसमें निवेश लाभदायक रहेगा। संतान संबंधी मामलों में शुभ समाचार मिल सकता है। नए रिश्ते का प्रस्ताव संभावित है। पारिवारिक प्रेरणा मिलती रहेगी। नकारात्मक विचारों वाले लोगों से दूरी बनाकर रखें और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बरकरार रखें। धनु राशि वाले जातकों के लिए संघर्षशील स्थिति कायम रहेगी। कार्य क्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। आपके नेतृत्व करने की प्रवृत्ति आक्रामक न हो, इस बात का ख्याल रखें। कार्य क्षेत्र में परिवारजनों की भूमिका से सहयोग मिलेगा। नए निवेश का योग बना हुआ है, मगर आर्थिक जोखिम उचित नहीं होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का समय बहुत अनुकूल है, मगर शाम के बाद स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां महसूस हो सकती हैं। मकर राशि वाले जातकों की मानसिक सक्रियता बनी रहेगी। अपने आप में थोड़ा अकेलापन महसूस करेंगे, क्योंकि चंद्रमा पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ पा रही है। आपके विचारों में और निर्णय लेने की क्षमता में उतार चढ़ाव संभावित है। हालांकि कार्य क्षेत्र की अनुकूलता बनी रहेगी। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। अधीनस्थ कर्मचारियों की समस्याओं पर ध्यान दें और सहयोग करें। शनि अनुकूल रहेंगे। अध्ययन अध्यापन में मन लगेगा। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कुंभ राशि वाले जातकों के वाणी में तीखापन और तर्क करने की क्षमता में वृद्धि होगी। योजनाओं को बल मिलेगा। मित्र व सहयोगी अनुकूल रहेंगे। नई योजनाओं का प्रस्ताव मिल सकता है। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और आपके बुद्धि कौशल का लाभ मिलता जाएगा। विद्यार्थियों को मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, मगर सहयोग मिलता रहेगा। अनावश्यक लोगों की बातों में उलझना उचित नहीं होगा। अपने कार्य क्षेत्र को केंद्रित करके काम करते रहें, लाभ मिलता जाएगा। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं की पुनरावृत्ति संभावित है। मीन राशि वाले जातक नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूर रहें। अपनी प्रशंसा के बहकावे में ना आएं। यथार्थ का अनुभव करते हुए सार्थक प्रयास जारी रखें। कुछ समय के लिए अकेलापन और निराशाजनक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, मगर योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी और आर्थिक लाभ मिलता रहेगा। विद्यार्थियों को मानसिक दबाव महसूस होगा और मेहनत करनी पड़ेगी। पारिवारिक माहौल को अनुकूल बनाए रखने में सहयोग करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।